हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भाई हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूँ, अपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर वीडियो मिस करेंगे तो आपको अच्छी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने स्नैपशीट में अपनी मॉडल की इमेज को भेज देना है, ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से विगनेट को सेलेक्ट कर लेना है और इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज़ कर लेना है, इसको भी इंक्रीज कर लेना है और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके फिर आपने सिंपली टिक मार पर क्लिक कर लेना है। टिक मार पर क्लिक करेंगे, ऊपर से दूसरे नंबर पर जाएंगे, व्यू एडिट पर जाएंगे और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद अपने मॉडल के फेस पर ऐसे आपने इरेज कर लेना है। मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। फ्रेंड कुछ स्टेप से अपने इरेज कर लेना, मैं पों के साथ से भी कर देता हूँ। इरेज करने के बाद हमने नीचे से टिक मार पर क्लिक कर लेने सिंपली। वही बटन पर आप चेक कर सकते हैं देख लगाकर। फिर यहाँ से अपने बैग चले आना है, टूल वाले ऑप्शन पर चले आना, डबल एक्सप्लोर पर जाना है, ऐड फोटो गैलरी से कर लेना है। इस PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसे ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद अपने सिंपली इसको यहां पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद नीचे से दूसरे नंबर वाले टूल पर चले जाना है। पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। एडजस्ट कर लिया, नीचे से दरमियान वाले टूल पर जाना है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अपने सिंपली फिर टिक मार पर क्लिक कर लेना है, ऊपर से व्यू क्रॉस आइकन पर जाना है, व्यू एडिट पर जाना है और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश को सेलेक्ट करने नीचे से आपने इरेज कर लेना है इसको, और इसके बाद जो मॉडल पर इमेज आ रही है, अपने आपके मॉडल पर जो आ रहा है बैकग्राउंड, उसे भी इरेज कर लेना है। तो फ्रेंड मैं जल्दी से इसे इरेज कर लेता हूँ, आपने भी कर लेना है। मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद फिर आपने सिंपली क्या कर लेना है, टिक मार पर क्लिक कर लेना है। फिर दोबारा आपने यहाँ से बैक चले आना है और टूल वाले ऑप्शन पर जाना है, डबल एक्सप्लोर पर जाना है, इसी PNG को दोबारा से ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ इस PNG को, और यहाँ पर इसे कुछ ये नीचे वाले आइकन को आपने सेट कर लेना है नीचे साइड। तो मैं यहाँ पर इन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से। एडजस्ट करने के बाद दरमियान वाले ऑप्शन पर चले जाना है आपने नीचे से, और यहाँ से इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद टिक मार पर क्लिक कर लेना है। टिक मार पर क्लिक करने के बाद ऊपर से क्रॉसिंग के पास जाएंगे, व्यू एडिट पर जाएंगे नीचे से और ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को लेने के बाद इसकी आपने ओपेसिटी को 100 कर लेना है और ये नीचे सिर्फ इन जगह पर ड्रा करना है ताकि आपके आइकन यहाँ पर आ जाएँ। फिर आपने टिक मार पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से बैक चले आना है ऊपर से। फिर दोबारा टूल पर जाएंगे, डबल एक्सप्लोर पर जाएंगे, ऐड गैलरी पर जाएंगे और इसी PNG को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे रोटेट कर लेना है और ये जहाँ पर टाइम लिखा हुआ है इसको अपनी शर्ट पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसे भी ऐड कर लेना है नीचे से जाकर और टिक मार पर क्लिक कर लेना है। टिक मार पर क्लिक करेंगे, ऊपर से व्यू एडिट पर जाएंगे और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने सिर्फ शर्ट पर ओपोजिट को डट करके यहाँ पर इसे ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद सिंपली आपने दोबारा से फिर टिक मार पर क्लिक कर लेना है। फिर दोबारा आपने बैग चले आना है और टूल पर जाना है, डबल स्कोर पर जाके दोबारा इसे सेलेक्ट कर लेना है। अभी एक बार और इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है एक साइड पर। फिर आपने ऊपर से क्रॉस आइकन पर जाना है, व्यू एडिट पर जाना है, ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है। ऐड नहीं किया था सॉरी हमने, तो इनसे दोबारा एडिट कर लेंगे। फिर दोबारा ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और आपने ब्रश की ओपेसिटी को इंडट करके यहाँ पर इसे ड्रा कर लेना है कुछ इस टाइप से। ड्रा करने के बाद टिक मार पर क्लिक कर लेना है। फिर दोबारा यहाँ से बैग चलेंगे, टूल्स पर जाएंगे, डबल एक्सप्लोर पर जाएंगे और अपनी गैलरी से दोबारा उसी PNG को ऐड कर लेंगे।
ऐड करने के बाद आपने जो इंग्लिश सबटाइटल दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसको दूसरी तरफ एडजस्ट कर लेना है, साइज़ को डिक्रीज करके एडजस्ट कर लेना है। नीचे से दरमियान वाले टूल पर जाके इसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं पहले इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने एडजस्ट कर लिया है, फिर अपने दरमियान वाले टूल पर जाना है, नीचे से इसको ऐड कर लेना है, फिर टिक मार पर क्लिक कर लेना है, फिर ऊपर से क्लासिक नंबर जाना है, व्यू एडिट पर जाना है और इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर भी इसे कुछ इस टाइप से ऑपोजिट के अंडर ड्रा कर आपने यहाँ पर इसे ड्रा कर लेना है, फिर टिक मार पर क्लिक कर लेना है। टिक मार पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली शेयर वाले टूल पर जाना है और अपने फ़ोटो को लाइट रूम में शेयर कर लेना है। मैं यहाँ से फ़ोटो को लाइट रूम में शेयर कर लेता हूँ। फिर आपने लाइट रूम को ओपन कर लेना है। यहाँ से लाइट रूम में इस प्रीसेंट का लिंक दिया गया है, आपने यहाँ से इस प्रीसेंट को आपने ऐड कर लेना है। सिंपली प्रीसेंट पर क्लिक कर लेना है और इसकी थ्री डॉट पर जाके इसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी है। कॉपी सेटिंग करने के बाद टिक मार पर क्लिक करना है, ऊपर से बैक से लेना है और अपनी स्नैपशीट से ओरिजिनल पिक को ले आना है और थ्री डॉट पर जाके इसको पेस्ट सेटिंग कर लेना है। तो बिफोर आफ्टर रिजल्ट आप देखते हैं। सिंपली फिर अपने शेयर वाले टूल पर जाना है और फोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो कैसी लगी वीडियो, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।